एकदम मज़े आने वाले हैं इस राइड पे भी। जो फर्स्ट टाइम राइड करते हैं तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अरे भाई किधर आया मैं, डियर देखो डियर डियर। ये समृद्धि महामार्ग पे कनेक्ट करने बोल रहा है फिर से यार, क्या फालतू गिरी है सच्ची में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ATG व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी और मैं निकल रहा हूँ मेरे घर के लिए, लाइक मुंबई के लिए। ऑलमोस्ट 20 दिनों से मैं गांव में था और फाइनली आज रिटर्न जर्नी स्टार्ट होने वाली है अपनी। पैकिंग वगैरह हो गया है, चेन लूप वगैरह हो गया है, सिर्फ बाइक में एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि पीछे का इंडिकेटर अभी काम नहीं कर रहा है। बट मुझे मालूम नहीं कि जो मेरा टॉप बॉक्स है उसका लाइट चालू है या नहीं, अगर उसका इंडिकेटर काम कर गया तो भी चलता है। लेट्स सी, कोई प्रॉब्लम ना आए बस यही उम्मीद है और निकलते हैं अभी। बाकी की और भी कहानी जो है वो बाइक पे अपने को कंटिन्यू करनी ही है। सो मौसम भी काफ़ी सुंदर है, बस अभी निकलते हैं। चलो इट्स 6:30, एक्यूरेट 6:30 जब से निकलना था तभी निकल रहा हूँ मैं। चेन कल मैंने थोड़ी ज़्यादा टाइट की है ऐसा लग रहा है, ठीक है वो चलते चलते अभी लूज होने वाली है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। सीधा अगर जाएंगे तो चिकलदारा सेमाडो, उसके बाद बैतूल MP बॉर्डर लगता है और लेफ्ट साइड में है अपना अकोला अकोट दरियापुर। चलो अभी कोई टेंशन नहीं, 4 लेन मस्त एकदम मक्खन वाला रूट है। सो एकदम मज़े आने वाले हैं इस राइड पे भी। सुबह सुबह का मौसम है, राइड करने का जुनून है, आंखों में थोड़ी सी हल्की सी नींद है लेकिन बाकी सब ठीक है। सारे डायलॉग एक साथ मिक्स हो गए। 10 बजे के बाद धूप ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसके लिए फिर मैं जितना ज़्यादा जल्दी कवर हो सकता है स्टार्टिंग का डिस्टेंस उतना कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो डिहाइड्रेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। कंफर्ट जोन के हिसाब से आप ब्रेक ले सकते हो, कंफर्ट जोन के हिसाब से गाड़ी चलाओ, यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि बहुत से नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम राइड करते हैं तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई टारगेट सेट करने के लिए या फिर हिस्ट्री बनाने के लिए मत करो। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो देन ओनली यू डू इट। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है फिर भी आप लगे हो तो उतना एग्जॉस्ट मत करो खुद को। या फिर बाइक का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्टिल यू आर सेइंग कि मैनेज हो जाएगा, नो। टाइम अपडेट 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ अकोट के आगे, लाइक 10 किलोमीटर आगे। शेगांव इज़ मोर 48 किलोमीटर्स। देखो कैसा है पर्सनली, कभी भी मैं कोई राइड पर जाता हूँ तो पहले दिन रात को नींद नहीं लगती है, सिर्फ दिमाग में वो सब स्टोरीज या फिर वीडियो में क्या बोलना है, उसके बाद रूट कौन सा लेना है, यही सब चलता रहता है, इसलिए फिर नींद नहीं लगती है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह जल्दी उठने के बाद जो शेड्यूल रहता है उठने के बाद वाला वो सब बिखर जाता है। लेकिन ट्रैवलिंग में करता हूँ ना, इस ट्रिप में हो या फिर कोई भी ट्रिप में हो, मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने मिलती है एंड तो निकल जाता है मोस्टली। डियर देखो डियर डियर, ओ भाई उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, अरे क्या बात है, सुंदर दर्शन हो गए सुबह सुबह। संत नगरी शेगांव येथे आपले स्वागत आहे। ओके सो अभी एक प्लान में चेंज है, जो रूट मैं लेने वाला था वो मैं नहीं ले रहा, जैसे जालना टू औरंगाबाद वाला रूट। मैं औरंगाबाद जाऊंगा लेकिन वाया बुलढाणा और सिल्लोड से जाऊंगा, सिल्लोड बाईपास है, और फिर औरंगाबाद से वैजापुर येवला डायरेक्ट नासिक। 7 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है 379 किलोमीटर्स, और नासिक के बाद तो फिर सीधा सीधा अपना रोड है। नासिक से ऑलमोस्ट 3 घंटा लगेगा, मतलब और 10 घंटे लग सकते हैं मुझे घर पहुँचने के लिए। ओके निकलते हैं। ये देखो सेंसर देखो मेरे बाइक के, मेरे साथ प्रैंक करते ये, मतलब 124 किलोमीटर हुआ है आधी टंकी खाली हो गई, बट पेट्रोल है उसमें।
पेट्रोल इसके अलावा और एक दो बार तक का पेट्रोल रहेगा, लेकिन वो कभी अभी रुक गया तो कम हो गया, बाद में फिर से एक बार बढ़ जाता है कभी कभी। बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक ही डर रहेगा इधर के साइड से कुत्ते बिल्ली नहीं आने चाहिए बीच में बस। ओ हो हो हो, क्या बात है, ये देखो ये नदी है। एक एक फोटो तो बनता है। कौन सा रास्ता आ गया? ज्ञान गंगा अभयारण्य आपले सर से स्वागत करते है। तपासनी केंद्र यही भाई, क्या विषय? निसर्ग परिचय केंद्र बोधा। अरे भाई किधर आया मैं? क्या लगता है आज क्या क्या दिखेगा आपने को? चीता, टाइगर, बियर, क्या आजू बाजू ध्यान रखना पड़ेगा। और पैंथर तैयार रहना बाबा, टाइगर दिखा तो भाग जाना चुपचाप, वाहन वाजव नहीं, ओके वाहन हड़ू चालवा। बाबा थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे अभी। बुलडाना बुलडाना सरल है ना। ये है माटरगांव डैम सफारी, सेव द एनिमल्स, चीता है बाबा। ये देखो वर्ल्डग डैम सफारी, बाप रे ये बड़ा एरिया है, पहली बार देख रहा हूँ मैं, पहली बार नाम सुन रहा हूँ इधर तो। इसका भी मेरे ख्याल से बुकिंग वगैरह ऑनलाइन रहता होगा। रीच्ड बुलडाना। अरे यहाँ पे अभी एक दोस्त को मिलना है एंड इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगी। ओके यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं। राइट साइड में नासिक, धुले, जलगांव, भोपाल, इंदौर, सूरत है। नहीं, भेटू, हो सांगतो मी सांगतो। चलो ये वहाँ पे अच्छा खासा अभी 10-15 मिनट निकल गया। हम दोनों का कॉन्टैक्ट एक राइडिंग ग्रुप में से हुआ था एंड आज जाके हम लोग मिले। क्या कर्ज है, वाह यार वाह। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जाते वक्त भी मैं इसी रूट से गया था गांव, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है और बिल्कुल बोर नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो ऐसे कर्ज आ रहे हैं, ये साइड में होटल है, खेती भी अच्छी खासी है, पेड़ पौधे, आहा। ओके टाइम अपडेट 11:02 और एक अच्छे खासे प्रॉपर ब्रेक के लिए रुका हूँ। 2 ग्लास गन्ने का जूस अपना ही है अभी, कोई टेंशन नहीं, विदाउट बर्फ, क्योंकि डायरेक्ट धूप से छाँव में आने के बाद ठंडा एकदम नहीं प्रीफर करते। धूप इतनी नहीं लग रही है जितनी मतलब लाइक समर में रहती है या ये साइड में रहती है। 4:35 टू नासिक, 6:30 तक मैं मेरे घर पहुंच जाऊंगा फाइनली। GoPro की बैटरी फास्ट उतरती है और गाड़ी का पेट्रोल जल्दी ख़त्म होता है। अभी उसके पीछे कुछ और ही रीज़न है। 261 किलोमीटर्स हो गए और एग्जैक्ट कह सकते हैं कि 5 घंटे हो गए राइड चालू करके। शिंद्रा MIDC शिरडी राइट एंड सीधा संबंधी नगर, ऊपर वाला समृद्धि महामार्ग है यार। एक मिनट, कुछ तो लोचा हो रेले। देखते इधर तो टोल नाका है, तो मैं किधर जा रहा हूँ फिर? ये देखो ये समृद्धि महामार्ग पे कनेक्ट करने बोल रहा है फिर से। यार क्या फालतू गिरी है सच्ची में, इरिटेट हो रहा है एक तो गर्मी में यहाँ पे। काका नासिक किधर है? ये भी कोई तो गेट है। काफ़ी कुछ है संभाजी नगर में भी। ओहो
ये कौन सा है भाई, ये क्या है? इंडियन फ्लैग तो है इधर। पेंटिंग्स। और ये संभाजी नगर की गलियों में घूमता हुआ मैं, भूकेला में, प्यासा में रुकने वाला हूँ किधर। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। ऊपर जो दिख रहा है वो हाईवे है। अरे चलो ना भाई। अरे पहले सिचुएशन ऐसी थी कि विदर्भ में ज़्यादा धूप और मुंबई साइड कम धूप रहती थी, लेकिन अभी उल्टा हो गया। लाइक संभाजी नगर में मैंने क्रॉस कर लिया है और धूप इतनी ज़्यादा हीट कर रही है ना, लिटरली अभी मतलब बहुत गर्म हो रहा है, बहुत। बस 1 लीटर पानी अभी मोस्टली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बॉटल रखने के लिए भी जगह नहीं है बाद में। इसके लिए फिर अभी इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, और उसके बाद आगे जब दूसरा स्टॉप लूँगा पानी के लिए तो उधर नई बॉटल ले लूँगा। पानी तो बहुत लगने वाला है अभी आगे। एक्सपीरियंस, मज़ा, सेटिस्फैक्शन, इसलिए ये सब करता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। श्री कृष्ण स्वीट्स, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। आपका? सब्सक्राइबर फैमिली, यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है ऐसे। भारत का पहला पेट्रोलियम देखा जहाँ पे ये फूड स्टॉल या स्नैक सेंटर कह सकते हैं इसको, ये भी है। नॉर्मली शेल के पेट्रोल पंप पे अवेलेबल रहता है, या फिर जियो के, रिलायंस के, वो सब पेट्रोल पंप पे रहता है। तो अभी बस स्प्राइट पियेंगे, जो बिस्किट लिया है वो डॉगी के लिए लिया है, एंड पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज। भैया क्या है ये? अच्छा लोडिंग चालू है। डेंजर डेंजर पोज में खड़े रखते हैं ये लोग ट्रक वगैरह, ऐसा लग रहा है वो सामने से आ रहा है। ओ हो, ये क्या व्यू है, मस्त। एक्चुअली कैमरा में इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन भैंस बकरी चारा खा रहे हैं और पूरा लैंड ग्रीन है। ये साइड में भी ग्रीनरी विद वाटर, क्या बात है। और माउंटेन की रेंज। अनप्लैंड जर्नी भी कितनी सक्सेसफुल और अच्छी हो सकती है, ये मुझे इस राइड में मालूम पड़ा। हालांकि नागपुर से अमरावती जाते वक्त टायर पंक्चर का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से बड़ा संकट टला। उसके अलावा और जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी तो वो नेक्स्ट राइड में ना हो, इस चीज़ का मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। ये राइड में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। इंसान को सफ़र पर निकलने से रास्ते कभी नहीं रोकते, अगर कोई रोक सकता है तो वो है उसकी अपनी सोच। इसी के साथ ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ। इगतपुरी क्रॉस होने के बाद गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस सीरीज़ में बाकी वीडियोज़ है, अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। Till then, be positive and keep going.